केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाए आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कमलनाथ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 16 फरवरी को होना है और इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं, ये खबर जबलपुर से देख लेते हैं। क्या इस खबर में जबलपुर में 16 फरवरी को होगी कमलनाथ कैबिनेट की अगली बैठक। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अगले शनिवार यानी 16 फरवरी को जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। वे इस दिन यहाँ कैबिनेट की बैठक लेंगे। इस बैठक में कमलनाथ सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान वचन पत्र में बिजली की दाम आधे करने के वादे पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जसेस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार 16 फरवरी को सुबह 10:55 बजे भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर जबलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे तरंग ऑडिटोरियम में मध्य प्रदेश जसेस एसोसिएशन के कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के मुख्यालय शक्ति भवन में मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक जबलपुर में इसलिए होने जा रही है क्योंकि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी का मुख्यालय यही है और बिजली दामों को लेकर बैठक में विचार विमर्श होने की संभावना है। इस बैठक में अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं को 4,000 रुपये महंगाई भत्ता, सामाजिक पेंशन 600 रुपये प्रतिमाह, इंदिरा गृह ज्योति के तहत 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देना, अतिथि शिक्षक संविदा कर्मचारी को नियमित करना मुख्य मुद्दा होगा और अध्यापकों को 1954 वाला पुराना कैडर पर चर्चा हो सकती है। साथियों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। शिक्षकों ने कहा, कमेटी का स्वागत लेकिन नियमितीकरण 90 दिन में करें। देख लेते हैं विशेष खबर क्या है। पर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जिला विदेशा की है, इसमें एक नारा भी लिखा हुआ है। अतिथि शिक्षक का एक ही नारा, नियमितीकरण हो हमारा। देख लेते हैं विदेशा से खबर ये। आज दिनांक 11/2/19 को गायत्री मंदिर परिसर सिविल लाइन विदिशा में रखी गई, जिसमें सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी का सभी अतिथियों ने स्वागत किया एवं सरकार का आभार व्यक्त किया एवं समस्त अतिथि शिक्षकों ने आशा जताई कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। उसके बाद सभी अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में जाकर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें नियमितीकरण की मांग की गई और कहा गया कि सरकार जल्द से जल्द वचन पत्र में उल्लेखित हमारी मांग को पूर्ण करे, जिसमें कहा गया था कि सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर ही अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले में जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार थे। साथियों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी इस वीडियो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल है उस पर क्लिक करें, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपके मोबाइल पर चैनल आइकॉन आएगा, उसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइए। इस चैनल के अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।